नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बहत्तर बाइक ने बढ़ाई पुलिस की क्षमता। ड्रग्स केस में रेलवे पुलिस ने पकड़े दो आरोपी। शिरडी और हावड़ा के बीच चलेंगी वीकली स्पेशल ट्रेन। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। 72 बाइक ने बढ़ाई पुलिस की क्षमता। स्ट्रीट क्राइम पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए शहर पुलिस को 72 बाइक और 14 बोरेलो वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। सोमवार को पालक मंत्री नितिन राउत ने काटोल मार्ग के पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में डीपीडीसी निधि से आवंटित किए गए वाहनों को गश्त के लिए रवाना किया। 1,64,00,000 की निधि से शहर पुलिस को 72 बाइक तथा 14 बोरेलो वाहन दिए गए हैं। शहर में 78 संवेदनशील स्तर सहित 116 स्थल हैं जहां पुलिस को नियमित गश्त लगानी पड़ती है। कई बाइक मिलने से शहर पुलिस के पास 116 बाइक हो गई है जो शहर के 116 बीट में गश्त लगाएंगी। इन वाहनों पर 464 कर्मियों की तैनाती की गई है। समारोह को संबोधित करते हुए पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा कि वाहनों की संख्या बढ़ने से पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने की अवधि कम होगी, नागरिकों की प्रभावी रूप से सुरक्षा की जा सकेगी। कोविड काल में भी पुलिस ने नागरिकों की सेवा की है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने वाहनों की संख्या से बढ़ने का पुलिस का दबदबा भी बढ़ेगा। समारोह का आभार संचालन तथा आभार प्रदर्शन डीसीपी संदीप पखाले किया है। इस मौके पर विधायक राजू पारवे, अपर आयुक्त सुनील फुराली, दिलीप झलके, नवीन चंद्र रेड्डी तथा सभी डीसीपी मौजूद थे। तो वही दूसरे ड्रग्स केस में रेलवे पुलिस ने पकड़े दो आरोपी। रेलवे सुरक्षा बल ने लगभग 22 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की थी। 1 जून को महाराष्ट्र एक्सप्रेस में लावारिस हालत में मिले बैग से रेलवे सुरक्षा बल ने लगभग 22 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की थी। यह मामला रेलवे पुलिस को सौंपे जाने के बाद जांच अधिकारी उपनिरीक्षक ओम प्रकाश भलावी और उनकी टीम ने 11 जून को इस केस से जुड़े आरोपी गोंदिया निवासी अशरथ तिगाला को गिरफ्तार किया था। उससे पूछताछ में ड्रग्स मामले में एक महिला के भी शामिल होने का पता चला। रेलवे पुलिस ने गोंदिया निवासी ज्योति करियार को 12 जून को गिरफ्तार किया। पूछताछ में ड्रग्स सप्लायर देवीकर मोहल्ला जूनी मंगलवारी निवासी प्रकाश कोंदिरकर का नाम सामने आया। उसे 13 जून को गिरफ्तार किया गया। तो वही तीसरे शिरडी और हावड़ा के बीच चलेंगी वीकली स्पेशल ट्रेन। रेल प्रशासन ने साईनगर शिरडी और हावड़ा के बीच साप्ताहिक सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत 02593 सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन साईनगर शिरडी से 19 और 26 जून को दोपहर 2:10 पर रवाना होकर अगले दिन शाम 7:30 पर हावड़ा पहुंचेगी, जबकि 02594 सुपर फास्ट स्पेशल ट्रेन हावड़ा से 17 और 24 जून को दोपहर 2:35 पर रवाना होकर अगले दिन शाम 7:10 पर साईनगर शिरडी पहुंचेंगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।